गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह के 6 बज रही हैं और मैं उठ चुकी हूँ और मुंह हाथ वगैरह मैंने धो लिया है, ब्रश भी कर लिया है। तो अभी मैं अरमान के लिए नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि उसने स्कूल जाना है आज। पहले उसकी 2 दिन की छुट्टी थी, तो मंडे को हमारा ये काम स्टार्ट हुआ था। तो सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है और बहुत ही मैसी हो रहा है, मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बजे हैं और मिश्री सोई हुई है, बस अभी उठा रही हूँ उसको। मैं इसको थोड़ी देर में ही उठाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोई हुई है। अभी मैं इसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खिड़की में अंधेरा मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बाहर अभी अंधेरा है, सुबह के 6 बजे हुई है। और ये देखिए सारा मैसी हुआ हुआ है ये रूम, और सारे रूम एक्चुअली बहुत मैसी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बना दी है और एक में चने की सब्ज़ी है। ये रात को मैंने चने की सब्ज़ी भी बनाई थी तो मैं ये भी गर्म कर लेती हूँ। आलू मेथी की सब्ज़ी मैं टिफ़िन में अरमान को पैक कर दूँगी, उसका लंच पैक करूँगी। तो अभी आपको जो आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मेन डोर पर काम चल रहा है, वो अभी मेन डोर पर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको हथौड़ी की आवाज़ आ रही है। और मैं वॉइस ओवर ये बहुत लेट कर रही हूँ, एक्चुअली टाइम नहीं था बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं ये आज वॉइस ओवर कर रही हूँ जिसमें कि अभी घर में काम चल रहा है, इसीलिए आपको पीछे आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और ये देखिए रात को इस तरीके से राज और मैंने विंडो में अखबार लगा दिए थे ताकि मच्छर अंदर ना आए, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मच्छर एकदम से अंदर आने स्टार्ट हो गए थे और क्योंकि मजदूर लोग भी काफ़ी लेट गए थे। और ये देखिए मैं यहाँ पर अरमान का टिफ़िन पैक करने के लिए खाना बना रही हूँ, उसका नाश्ता बना रही हूँ। वो पहले नाश्ता बना दूँगी, इतना वो खाना वगैरह खाएगा तो इतना मैं उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो गाइस वैसे तो यही रोज़ का जो एक शेड्यूल है, यही रोज़ का शेड्यूल है, मेरा रूटीन है, और क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। तो अभी अरमान स्कूल जा चुका है और उसको नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था अच्छे से, तो वो स्कूल जा चुका है। और ये जो मैंने आपको गाइस काम दिखाया है ना, ये एक्चुअली काम काफ़ी टाइम से हमने होल्ड किया हुआ था, लॉन्ग टाइम हो गया था, इसको करवाना था हमें लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और मुहूर्त कहते हैं ना, हर एक काम का मुहूर्त होता है, सही टाइम पर ही सही काम होता है, तो जब जिस काम का मुहूर्त होता है वो तभी होना होता है। तो अभी फाइनली इसका मुहूर्त निकल आया था, इस काम का मतलब टाइम मिल गया तो हमने करवा लिया। हमने सोचा इसको जल्दी चेंज करवा लें क्योंकि आगे आगे और सर्दी बढ़ रही है। तो मिस्टी तो आज स्कूल नहीं गई है, अभी मैं थोड़ी देर में काम वगैरह निपटा लेती हूँ, नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ी देर में मार्केट वगैरह खुल जाएगी तो कुछ सब्जी वगैरह भी लेकर आनी है, और फिर मिस्टी को भी मैं दवाई वगैरह दिलवाने के लिए जाऊंगी। तो बस यही सब कुछ चल रहा है गाइस। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने न्यूज़पेपर लगा दिए थे, राज ने और मैंने हमने मिलकर न्यूज़पेपर लगाए हैं क्योंकि वहां पर एक्चुअली मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मजदूर लोग भी काफ़ी लेट गए थे, तो अगर वो थोड़ा पहले चले जाते तो न्यूज़पेपर और थोड़ी जल्दी लगा लेती तो कुछ हो जाता, बट इट्स ओके। अभी मैं मच्छरों का कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, कोयल वगैरह मैंने रात को लगाई थी तो उससे थोड़ा ठीक रहा। और बेडरूम का जो डोर था वो मैंने बंद कर दिया था ताकि बेडरूम में मच्छर ना आ जाए, क्योंकि सोना तो वहीं है एक्चुअली हमने, क्योंकि इधर सारा सामान बिखरा हुआ है और वैसे भी हम वहीं सोते हैं सारे एक साथ ही, मतलब हम वहीं सोते हैं। और बस तो ये सब कुछ चल रहा है, अभी मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। घर बहुत ही बिखरा पड़ा है, बहुत फैला हुआ है, और कुछ वीडियो भी शूट करनी है लेकिन आज मिस्टी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं शायद ना भी करूँ, देखती हूँ कल करूँगी टाइम मिला तो, आज शायद करूँ या फिर नहीं। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा और जो काम रह गया वो निपटा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। वैसे बच्चे बीमार होते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मस्ती खेलते करते हुए अच्छे लगते हैं, मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों की दुआ है ठीक हो जाएगी मिस्टी जल्दी, नॉर्मल फीवर हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप। तो चलिए फिर, राज भी आ चुके हैं अरमान को छोड़कर स्कूल, तो मैं अभी उनसे बात कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं पिंक शर्ट में, ये मेरा देवर है। एक्चुअली इसको नल का जो ये काम होता है ना, नल ठीक करने का, तो इसको काम में काफ़ी एक्सपर्ट है ये, इस काम में इसकी भी हेल्प की ज़रूरत थी मुझे आज, तो इसलिए राज ने इसको बुला लिया था। तो ये देखिए, ये सारी टूट फूट हो चुकी है घर में, इस तरीके से सारी विंडोज़ जो है वो निकाल कर रख दी गई है, और इस तरीके से ये मजदूर अभी टूट फूट कर रहे हैं जो भी अभी थोड़ी बहुत बची है। तो यहाँ पर सारा मैसी हुआ हुआ है। ये देखिए किचन में मैंने अभी बर्तन साफ़ नहीं किए हैं गाइस, नाश्ते के जो बर्तन हैं वो मैंने अभी साफ़ नहीं किए हैं, पानी रखा हुआ है, मिस्टी को नहलाऊँगी थोड़ी देर में, तो ये गर्म पानी हो रहा है अभी। और ये जो सारा आप मैसी देख रहे हैं गाइस, मैं थोड़ी देर में ही बर्तन साफ़ करूँगी क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं और घर में इस तरह से काम फैला होना तो कुछ भी काम जो है अपने सही समय पर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, और सारा मैसी हुआ हुआ है, मेरा कॉस्मेटिक भी सारा इधर उधर बिखरा हुआ है। तो मिस्टी यहाँ पर लेटी हुई है, अरमान स्कूल से आ चुका है, एक्चुअली दोपहर का वक्त हो चुका है। तो ये देखिए, ये विंडो है जो भी लगेगी वहाँ पर लिविंग रूम में जो लगानी है, ये न्यू बनवाई है हमने इस तरीके से, तो लग जाएगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ, ये इस तरीके से मैसी हो रहा है।
तो इसके अंदर अभी मसाला भरा जाएगा, ये जो पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मसाला मतलब बजरी वगैरह कुछ रेता सीमेंट वगैरह इसमें मिक्स कर भरा जाएगा। और वो सामने मेरे फादर इन लॉ हैं और राज हैं जो हेल्प करवा रहे हैं, तो उस तरीके से वहाँ पर है। अभी रात का वक्त हो चुका है और रात को ये इस वक्त से हमने इस तरीके से बैठ कर मैंने ये लगा लिए थे, राज ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर लगाए थे। अरमान ने भी एक्चुअली हेल्प की थी, तो इस तरीके से हमने न्यूज़पेपर लगा लिए थे ताकि मच्छर अंदर ना आए। और गाइज़ यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है और अभी कुछ रह गया तो ये मैं साथ के साथ कर रही हूँ। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब आपके घर में इस तरीके से काम हो जाए ना, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और समझ में नहीं आता मतलब पहले क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करें या वहाँ से, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो ये नेक्स्ट डे आप देख रहे हैं गाइज़ ये इस तरीके से, और ये है राज ने सारा अभी मतलब थोड़ा सेट करवा रहे। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ बाथरूम में भी। बाथरूम में आप सोचेंगे मैं झाड़ू क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बाथरूम बिल्कुल सूखा था और वहाँ पर रेता वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, गंदा बहुत हो रहा था, इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि वैसे भी नीचे टाइल्स है तो इसलिए झाड़ू लग जाती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सारी सफाई कर रही हूँ। क्या होता है ना कि साथ के साथ सफाई कर लो तो इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता है, इसलिए मैं साथ के साथ जो भी रूम मतलब काम कंप्लीट हो रहा था जिस भी रूम में, तो मैं साफ करे जा रही थी इसको। साथ के साथ साफ कर लेते हैं तो गाइस ज़्यादा मैसी भी नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर की लाइट का इसलिए दिख रही है क्योंकि ऊपर जो हमारा रोशनदान है उस पर मैंने कवर रखा हुआ है, फाइबर लगाई हुई है, तो वो ग्रीन कलर की है इसलिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। ऊपर मैंने इसलिए नहीं खोला था क्योंकि रात को सर्दी बहुत थी, सुबह सुबह के टाइम पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। नेक्स्ट डे आप देख रहे हैं, और जो भी काम होते हैं गाइस छोटे मोटे वो तो मुझे करने ही थे, क्योंकि काम हो या ना हो ये काम तो रूटीन के हैं जो कि डेली हाउसवाइफ को करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये जो पर्दे वगैरह मैंने एक दिन पहले ही धो लिए थे, मैंने सारे अच्छे से वॉश कर लिए थे और अब ये सूख चुके हैं, तो मैं तय कर इनकी प्रेस कर इस तरीके से अलमीरा में रख दूँगी ताकि जब मुझे मैं सफाई करूँगी अच्छे से तो मैं साथ के साथ इन्हें लगा सकूँ। तो इसमें सोफे के कवर और पर्दे वगैरह मैंने साथ के साथ धो दिए थे, जो भी मैसी हुए थे, गंदे हुए थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे एक्चुअली। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर पर दुपट्टा क्यों लिया हुआ है, तो गाइस मेरे फादर इन लॉ थे तो जब भी वो आते हैं या मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं हमेशा सिर पर दुपट्टा ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुंह तो मैं नहीं ढकती हूँ क्योंकि कभी उन्होंने कहा नहीं कि तुम घूंघट करो, तो कभी उन्होंने इन लॉज ने बोला भी नहीं, तो इसलिए मैं सिर पर दुपट्टा ज़रूर रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है रखना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को तैयार कर रख दिया है, अब मैं इन्हें अलमीरा में रख दूँगी। और मिश्री अपना कार्टून एंजॉय कर रही है, वो एक्चुअली शिनचैन देख रही थी, मैं भी वही उसका एक सीन देख रही थी तो उस पर मुझे हंसी आ रही थी। तो वैसे ही दोनों बच्चों का फेवरेट है शिनचैन, हमेशा वो शिनचैन ही देखती है ज़्यादातर। तो ये देखिए यहाँ पर वो माइक में कुछ गा रही है, उसको बड़ा शौक है इस तरीके से माइक में गाने का ना, उसे बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो एक्टिंग कर रही थी, कुछ गा रही थी एक्चुअली, पता नहीं कुछ पोएम बोल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब रात के डिनर का टाइम हो चुका है और ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च मतलब रख ली है छील कर, मैंने लहसुन रख लिया है, तो अभी डिनर का वक्त हो चुका है और मैं यहाँ पर मक्की की रोटी और साग बनाया है मैंने रात को, और पता ही नहीं चला गाइस पूरा दिन कहाँ से कैसे निकल जाता है ना। तो अभी डिनर का वक्त हो चुका है गाइस, और चलिए मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ, हम सभी डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा सारा घर का काम हो चुका है, दोनों रूम में मैंने सफाई कर ली है, और वो रूम और ये वाला रूम ज़्यादा गंदा था तो वैसे मैंने सुबह में ही कर ली थी और एक बार और मैंने सारी सफाई कर दी है वैसे अच्छे से। तो बस अभी खिड़कियों में अभी तक दरवाजे तो नहीं लगेंगे क्योंकि अभी ये गीली हैं। तो वैसे आपको एक चीज़ बताऊं कि घर में जब ऐसा कोई भी काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, और अभी मुझे कल बच्चों को स्कूल भी भेजना है तो उनकी भी रात को यूनिफॉर्म वगैरह मुझे रेडी करनी है, काफ़ी सारा काम अभी भी बचा है, छोटा मोटा काम है मैं जल्दी फिनिश कर लूंगी। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ गाइस, तो आशा करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।